e-commerce Zafire की माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी इस टाइम आसमान छू रही है। हेलो फिनफार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज के एपिसोड काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है और सीपीयू माइनर्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर फिनफार्म को पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेक श्योर आप फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट है कि हमें 3000 का सब्सक्राइबर बेस बनाना है फिनफार्म चैनल पे। तो चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन की तरफ। अभी एग्जैक्टली वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम Zafire हो रहा है $31.11 पर ट्रेड। एंड अगर हम Zafire का प्राइस देख रहे हैं तो आप देखोगे सितंबर से ही बिल्कुल $2 or $3 की रेंज में था, एंड देन जैसे ही नवंबर आया इसका प्राइस पीक करना स्टार्ट कर गया और आई गेस $52.3 इसका हाईएस्ट ट्रेड गया है और अभी $31 की रेंज में वापस से आ रहा है। तो अगर हम माइनिंग नहीं भी कर रहे होते 1% एंड जस्ट हमने इसमें इन्वेस्टेड ही रहने दिया होता अपने आप को, तब भी हम अपने रिटर्न्स जो है 10x 20x कर पाते। पैसा ही पैसा हो गया। तो लाइक आप देख ही सकते हो सितंबर अक्टूबर पूरा ऐसे फ्लैट गया। अक्टूबर के लास्ट में थोड़ी सी मूवमेंट आई एंड इसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया था $2-3 से $5-6 की रेंज में, एंड उसके बाद जो पंप आया वो सीधा $50 की तरफ ले गया। एंड हमने फिनफार्म में इसमें वीडियो जो बनाई थी हाउ टू माइन Zafire की, वो बनाई थी अगस्त में। तो अगर आप अगस्त से माइन कर रहे होते अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर, एंड अगर आपने सिर्फ ये 3 महीने ही माइन करा होता, उन 3 महीने में भी प्रॉफिटेबल था Zafire, ऐसा नहीं था, बट आप उन 3 महीने में $0.2-0.3 लेकर जा पा रहे थे एट मैक्स। बट एज ऑफ नाउ अगर आप वो Zafire माइन कर रहे हो तो आप अप्रॉक्सीमेटली $1-$10 तक का प्रॉफिट लेकर जा रहे हो डेली बेसिस पे। CPU मॉडल पे डिपेंड करता है ऑफकोर्स, बट हाँ एक बैड न्यूज़ में ये दूँ, शायद मैंने खुद से ये Zafire इतना माइन नहीं करा। डेफिनेटली मैंने होल्ड करके रखा हुआ था Zafire पहले माइन करा हुआ, बट मैंने अपनी रिग्स बीच में बंद कर दी थी। क्यों? क्योंकि Zafire पे आपके जो नए ASICs मॉडल आए हैं बिटमेन की साइड से वो डोमिनेट करने स्टार्ट कर दिए थे, तो इसलिए मैंने अपनी माइनिंग Zafire से हटा दी थी। बट अगर मैं लेकर चल रहा होता तो मैं ये मूवमेंट बहुत अच्छी कैप्चर कर पाता और शायद मैं अपनी माइनिंग रिग्स की कॉस्ट भी इसी मूवमेंट में निकाल लेता, लाइक मोर देन 70-80% ऑफ द कॉस्ट। और Zafire माइनर्स, अगर आपको नहीं पता है तो Zafire MEXC एक्सचेंज पर भी लिस्ट हो गया है, एंड MEXC एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद से इस पर थोड़ी ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई, क्योंकि पहले सिर्फ ये ट्रेड ऑगर पे था एंड जब तक वो वहाँ पर था इसकी लिक्विडिटी इतनी नहीं थी। बट जैसे ही ये MEXC पे लिस्ट हुआ है तो इसकी लिक्विडिटी ड्रास्टिकली इंक्रीज कर गई है। और माइनर्स, अभी आप वीडियो में हाथ रखो तो अगर आप MEXC एक्सचेंज पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से साइन अप करते हो तो आपको अप टू 20% ऑफ मिलेगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉरएवर। तो जो भी पैसा आप अपनी ट्रेडिंग फीस में बचा रहे हो वो आप ही के प्रॉफिट्स में ऐड हो रहा है। तो अब बारी आ गई है Zafire की, एक बार करंट प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर लेते हैं अभी। ठीक है, मैंने व्हाट टू माइन खोल रखा है एंड इसे हम मोनेरो के साथ भी कंपेयर करने वाले हैं। तो 212 किलो हैश जो भी इसका डिफॉल्ट है, मैं वैसे बता देता हूँ, मैंने Zafire पे अभी Ryzen 75800X को ऑन कर दिया है। Ryzen 75800X जो है मुझे 8.5 से 9 किलो हैशेस देता है वाइल कंज्यूमिंग अराउंड 120 वॉट्स। ठीक है, 120 वॉट्स क्यों, 105 वॉट्स वैसे उसका CPU कंज्यूम करता है, बट मैंने इसके साथ ही साथ उसका लिक्विड कूलर भी ऑन कर रखा है, तो 120 वॉट्स। मैं पूरी रिग की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, उसका पीछे एक रीज़न है क्योंकि उसमें मेरे बाकी ग्राफिक कार्ड्स भी इंस्टॉल्ड हैं तो वो भी माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भी अलग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी CPU की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लेने वाला हूँ। मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज 0.09 एंड जो फीस है दैट इज अराउंड 2%। तो मुझे जो पर डे का प्रॉफिट हो रहा है दैट इज $1.06। एंड लेट मी टेल यू, मैं ग्राफिक कार्ड्स के साथ भी माइनिंग कर रहा हूँ जो मेरे CPU से डबल ट्रिपल कॉस्ट पे आए हैं, वो भी एज ऑफ नाउ इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो 1.06 का प्रॉफिट इज इनसेन CPU माइनिंग स्पेस में, क्योंकि अगर मुझे Ryzen 75800X का ब्रेक इवन देखना हो तो लगभग 1 साल के आसपास ही आएगा इस करंट रेट पे। तो 1 साल इज अ वेरी गुड नंबर, क्योंकि ऑन एवरेज आपको 1.5 साल लग ही जाते हैं अपनी रिकवरी वापस करने में। और एक बार जल्दी से इसको मोनेरो के साथ भी कंपेयर करके देखते हैं, वापस है वही 8.5, 120 वॉट्स, फीस इज 2% एंड कॉस्ट इज 0.09%। तुम्हारा जो पर डे का प्रॉफिट हो रहा है दैट इज 0.01 डॉलर, बट अगर मैं $0.01 को भी कन्वर्ट करूँ तो ₹1 के आसपास ही आएगा। मतलब एक तरफ मैं 80 टाइम्स द लेकर जा रहा हूँ, 80 नहीं 100 टाइम्स, राइट
100 टाइम्स द प्रॉफिट लेकर जा रहा हूँ एज कंपेयर टू मोनेरो. इनसेन प्रॉफिटेबिलिटी. मतलब अगर मैं अपनी सारी की सारी माइनिंग रिग शिफ्ट कर दूँ सफायर पे तो मैं बहुत जल्दी ब्रेक इवन कर पाऊंगा. बट मैं डेफिनेटली बहुत सारे सीपीयू माइंस माइन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सफायर नहीं कर रहा. और सफायर की माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी जब से नवंबर स्टार्ट हुआ है तब से ही बहुत अच्छी आ रही है. आज दिसंबर स्टार्ट हो चुका है एनीवेज, लेकिन पूरे नवंबर में सफायर ने कुछ कुछ डेज पे 100 रुपये से भी ज़्यादा का प्रॉफिट दिया है. 120-130 रुपये तक भी टच करा है अगर मैं इसको राइजन 7 5800X से माइन कर रहा होता. लेकिन साथ ही साथ जितने भी आपके एनर्जी एफिशिएंट सीपीयूज हैं जो माइनिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे राइजन 9 3900, राइजन 5 3600, इन दोनों पे भी जो सफायर की प्रॉफिटेबिलिटी है वो राइजन 7 5800X से भी ज़्यादा है. और एक चीज़ और बताता हूँ, जो मेरे पास इंटेल के पुराने सीपीयूज पड़े हुए थे जो कि प्रॉफिटेबल नहीं थे, मैं चाहे किसी भी क्रिप्टोस पे माइन कर लूँ, बट वो सफायर पे प्रॉफिटेबल है. हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी उनकी मुश्किल से 4 या 5 रुपये पर डे की है, बट वो सीपीयूज लाइक पेंटेनम, सेलेरॉन, i3, ये सब भी सफायर पे इस टाइम पे प्रॉफिटेबल हैं. प्रॉफिटेबिलिटी सफायर की काफ़ी अच्छी है. एंड अगर आप सबको अपने पुराने हार्डवेयर का यूज़ करना है तो आई रिकमेंड आप सफायर माइन कर सकते हो, क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अभी बहुत अच्छी है. और अगर आप सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के साथ ही माइन कर रहे हो तो सफायर आपको बहुत जल्दी रिटर्न्स दे सकता है. वापस एक बार यहाँ पर चलते हैं, मैं हूँ अभी माइनिंग ओशन पे. मैंने यहाँ पे 8.5 किलो हैशेस डाल रखी है, दैट इज जनरेटिंग 1.33 USD का रेवेन्यू. लेकिन अगर मैं इसकी एवरेज डिफिकल्टी देखूँ, एक 7 डेज की एवरेज, तो ये 1.24 USD की दिखा रहा है. मतलब कहीं ना कहीं 10% ज़्यादा दिखा रहा है वो, इसलिए क्योंकि जब माइनर्स को पता चल रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी इसमें ज़्यादा है तो माइनर्स भी धीरे धीरे सफायर में स्विच कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है. लेकिन तब भी सफायर के कंपैरिजन में इवन एक्सटैग, रैप्टोरियम, मोनेरो, तो हम चेक ही कर चुके हैं, एक्सटैग और रैप्टोरियम की भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है. एक्सटैग और रैप्टोरियम अभी आपका काफ़ी कम प्रॉफिटेबल है. इवन एक्सटैग भी जो है आपको 50% कम प्रॉफिट दे रहा है एज कम्पेयर टू सफायर. और अगर आप सफायर माइन करने की सोच रहे हो तो मैं वापस से माइनिंग ट्यूटोरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. इवन आपको शायद वीडियो में यहाँ पे ऊपर भी दिख रही होगी. मैं जल्दी से एक बार माइनर स्टैट पे जा रहा हूँ. माइनर स्टैट में मैंने आपको बताया जो मैं पुराने सीपीयूज यूज़ करा था, एग्जैक्टली 700 हैशेज है, 35 वॉट्स लेता है, इंटेल का पेंटेनम गोल्ड मॉडल, ठीक है, आई गेस 4550 था या 4560 था, मुझे एग्जैक्टली उसका नंबर्स नहीं याद आ रहे लास्ट वाले, बट वो मुझे 700 से 750 की हैश रेट देता है. अगर मैं उसे सिर्फ एक थ्रेड पर रन कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें है ही 2 थ्रेड्स, तो अगर मैं उसे एक थ्रेड पर रन कर रहा हूँ तो मुझे 700 से 800 की हैश रेट देता है. 2 थ्रेड्स रन करता हूँ मैं तो मुझे 850 तक की दे देता है. बट मैं 700 इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि उस सीपीयू के साथ मेरे 3 ग्राफिक कार्ड और अटैच्ड है. तो मैं सिर्फ एक थ्रेड के साथ उससे माइनिंग कर रहा हूँ तो 700 हैशेस दे रहा है 35 वॉट्स पे, 2% की फीस, एंड तब मुझे वो जो पर डे का प्रॉफिट है दैट इज $0.03 का कमा के दे रहा है. ठीक है, मैंने उस सीपीयू से कोई प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट 0.03 × 86 अगर मैं करूँ तो मुझे 2.5 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है. ठीक है, 0 से तो बेटर ये है कि एटलीस्ट 2.5 रुपये की प्रॉफिटेबिलिटी तो दे ही रहे. तो मैं अपनी जितनी भी मेरे पास क्या, मैं अभी अपनी रिक्स के साथ क्या करने वाला हूँ वो बता रहा हूँ. एक मेरे पास राइजन 7 5800X वाली रिग है, उससे तो डेफिनेटली मैं सफायर माइन कर ही रहा हूँ. बाकी मेरे पास जितनी भी पुरानी रिग्स हैं जिनमें इंटेल के सीपीयूज हैं, ठीक है, मेरे पास इंटेल के सेलेरॉन है, पेंटेनम है और i3 है, i5 i7 नहीं है, कि वो वाली मैंने बहुत कॉस्ट एफिशिएंट रिग्स बनाई थी. तो अब इन तीनों के सीपीयूज मेरे लिए सफायर माइन करने वाले हैं. तो ठीक है, दिन में अगर 3 रुपये भी कमा रहे हैं इट्स नॉट वेरी मच, बट एटलीस्ट कुछ तो दे रहे हैं. तो अगर मुझे ये 3-4 जो रिग्स हैं वो भी 3-3 रुपये करके दे रहे हैं तो मेरे एक्स्ट्रा 10 रुपये यहाँ से आ रहे हैं, और $1 से ज़्यादा का अमाउंट मुझे सिर्फ राइजन 7 5800X से मिल रहा है. तो मैं इन सबको कंबाइन करने वाला हूँ एंड MEXC एक्सचेंज ही मैं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ट्रेड, ठीक है, डेफिनेटली वो आपकी मर्जी है. अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं यहाँ पे ट्रेड ऑग्रेस ज़्यादा प्रेफर करता, बट मैं बाकी भी क्रिप्टोज जो सेल आउट कर रहा हूँ, जैसे XDAG है, XDAG इस पे नहीं है, तो इट्स बेटर कि मैं MEXC एक्सचेंज पे ही उसको सेल आउट कर दूँ. हालांकि मैं इस एक्सचेंज को प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मैं इस एक्सचेंज पे भी सेल आउट कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपने पैसे गैस फीस में बाद में जाके बचा सकता हूँ. तो मैं क्या करता हूँ, MEXC एक्सचेंज पे सेल आउट करता हूँ, उसको दूसरी क्रिप्टोस में कन्वर्ट करके बाकी किसी एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर देता हूँ या अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लेता हूँ. फार्मर्स, एक बार वापस आपको बता रहा हूँ, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से MEXC एक्सचेंज पे साइन अप करोगे तो आपको अप टू 20% ऑफ मिल जाएगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे. तो जो भी पैसा आप अपनी ट्रेडिंग फीस में बचा रहे हो आप ये प्रॉफिट्स में ऐड हो रहा है. ट्विन फार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही. अब यहां तक पहुंच चुके हो तो मुझे कमेंट करके एक चीज बता दो, क्या आप अपनी रिक्स से सफायर माइन कर रहे हो या फिर कोई और सीपीयू कॉइन?
तो कमेंट करके बगैर नहीं जाना है, और वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो लाइक भी जरूर कर देना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।